ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जारी जुगाड़ टेक्निक्स, किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजी के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजी 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजी एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजी में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारे डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजी 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक आगे और एक पीछे, मैथमेटिक्स सेक्शन के ऑफिशियल पीवाईक्यू के अंदर में आए हुए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ डब्ल्यूबीजी एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चीट कोड्स। चीट कोड्स क्या होता है यार, जब आप जुगाड़ लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ये चीटिंग से अलग है, ये है जुगाड़ बुद्धि, देसी जुगाड़। जब आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जब आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड के अलावा, अगर आप कोई और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो हम उसको चीट कोड्स बोलते हैं। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की यार पूरी प्लेलिस्ट चलती है, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल के साथ में जुड़े रहो, प्लेलिस्ट को देखो, डब्ल्यूबीजी एग्जाम तक बहुत सारे वीडियोस आपके प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होंगे। अभी जैसे यार ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या बोला है, पी क्यू आर बी द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ altitudes of a triangle with area S and perimeter 2t. Then the value of 1 by p plus 1 by q plus 1 by r in terms of S and T is. अब देखो, जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करेगा, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो एक्चुअल से भी कर सकता है और जुगाड़ से भी कर सकता है, ठीक है। स्मार्ट बच्चा एक्चुअल से भी कर सकता है और जुगाड़ से भी कर सकता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है, जो स्मार्ट बच्चा है वो अगर एक्चुअल में फेल होगा तो जुगाड़ से भी कर लेगा, लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा वो अगर एक्चुअल में कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वो क्वेश्चन को छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि वो ईगो में ले लेता है। वो एक्चुअल बच्चा, उसको सॉल्व ही करना है क्वेश्चन को, नहीं होता है तो वो जुगाड़ बुद्धि में जाता ही नहीं है। चलो, लेकिन अच्छे बच्चे को उतना ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर लेगा क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छे से करी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल तरीका बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन उनकी कम है फिर भी वो हार नहीं माने हैं तो वो जुगाड़ सीख के जाते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके अपने नंबर बढ़ा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, तो जुगाड़ जो है ना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एक्चुअल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, बट जुगाड़ भी अगर आपको पता है तो आप कम पढ़ के भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी एवरेज स्टूडेंट जितना मार्क्स ला सकते हो और एवरेज स्टूडेंट अच्छे टॉपर जितने मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वहां पर बढ़त ले लेगा, ठीक है। और जो सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो जितना आता है उतना ही करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले पाते। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे लेना है सीखो। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे ले, मान लो एग्जाम में बैठे ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने मन से एक ट्राइंगल ले लो ना, सिंपल सा ट्राइंगल आप ले लो, ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल 60-60 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं। साइड ले लो आप ए, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3a, तो सबसे पहले तो साइड में लिख दो 3a इक्वल टू 2t, यहाँ पे आ गया, और t की वैल्यू निकाल लो, t इक्वल टू 3/2a, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा है। दूसरा क्या चाहिए, एरिया चाहिए, क्या चाहिए अपने को, चाहिए एरिया। एरिया कैसे आएगा भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। पहले तो आप ऑल्टीट्यूड देख लो क्या होंगे, तीनों ऑल्टीट्यूड सेम होंगे तो एक ऑल्टीट्यूड निकाल लो कोई सा भी, ये ऑल्टीट्यूड आप निकाल लो। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये ससुरा 30 डिग्री होगा, तो ए कॉस 30 डिग्री हो जाएगा ना ऑल्टीट्यूड, तो
तो ऑल्टीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, P इक्वल टू ए कॉस 30, Q इक्वल्स टू ए कॉस 30 एंड R इक्वल्स टू ए कॉस 30 डिग्री। तो रूट थ्री बटा दो ए, रूट थ्री बटा दो ए, रूट थ्री बटा दो ए, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं सर। एरिया चाहिए, एरिया क्या है भाई, एरिया है S। S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है यहाँ पे एरिया। आप जो सोच रहे हो गलत है, यहाँ पे S का मतलब है एरिया, सरफेस एरिया। किस चीज का, इस चीज का। आप जो सोच रहे हो दोबारा से गलत है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका ए इंटू हाइट हो जाएगा आपका क्या, ए कॉस थीटा, मतलब कि रूट थ्री बाई टू ए। तो एरिया कितना हो गया, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। क्या आपको बात क्लियर है, क्या आपको यहां पर बात क्लियर है? अब आप क्या करो, पहले तो ऑप्शंस में एस बाई टी, टी बाई एस, ये सारे चीजों को आप देख लो क्या होगा। तो s बाई टी पहले आप सॉल्व करो, s बटा टी दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, s की वैल्यू हो गई रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू हो गई थ्री बाई टू ए, थ्री बाई टू ए, ए से एक ए कट जाएगा ठीक है, टू से एक टू आपका कट जाएगा ठीक है। तो ये आपका कुछ अलग टाइप का आ रहा है ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका कुछ अलग टाइप का आ रहा है, ये आपका आ रहा है रूट थ्री अपॉन सिक्स ए, ये ऐसा आ रहा है ठीक है। तो यहां पे आप लिख दो क्या, रूट थ्री अपॉन सिक्स ए। ऑप्शंस को आप ट्रांसफॉर्म कर लो, तो टी अपॉन एस कितना हो जाएगा इसका उल्टा, तो यहां पर आप लिख दो सिक्स अपॉन रूट थ्री इंटू ए, इस बार नीचे आ जाएगा, समझ गए, इस बार ए ऊपर था, इस बार ए नीचे है, रूट थ्री ए नीचे है। ऑप्शन सी देखो, एस बाई टू टी, तो आपका कितना हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है रूट थ्री बटा फोर ए स्क्वायर अपॉन टू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू टी की वैल्यू थ्री ए हो जाएगी, एक ए कट जाएगा आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट थ्री अपॉन ट्वेल्व ए, और टू एस बाई टी कितना हो जाएगा वो भी देख लो, तो टू एस बाई टी आपका हो जाएगा टू इंटू एस, टू इंटू एस हो जाएगा मेरा कितना, रूट थ्री बाई टू ए स्क्वायर हो जाएगा टू इंटू एस ठीक है। और डिवाइड करेंगे हम किसके साथ में, टी के साथ में, तो थ्री बाई टू ए, एक ए से एक ए कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, ए बाई रूट थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बाई रूट थ्री ठीक है। चारों ऑप्शंस मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब आप खाली देखो कि हमको निकालना क्या, हमको निकालना है इसका वैल्यू, वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू प्लस वन बाई आर, पी क्यू आर को उल्टा कर दो और ऐड कर लो ठीक है। तो जैसे ही आप उल्टा करोगे तो आपका आएगा टू अपॉन रूट थ्री ए, और तीन बार इस सबको उल्टा कर रहा हूं मैं, टू अपॉन रूट थ्री ए, और तीन बार ऐड करना है तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स अपॉन रूट थ्री ए, तो किससे मैच कर रहा है आपका ये, ऑप्शन बी से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सिक्स अपॉन रूट थ्री ए, क्लियर है ना। तो ये क्या था, जुगाड़ था। अब ये जो टॉपर बच्चा है उसको अगर जुगाड़ नहीं आता वो हो सकता है क्वेश्चन छोड़ दे अगर उससे सॉल्व ना हो तो ठीक है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है या फिर जो बिलो एवरेज बच्चा है अगर उसको नहीं भी आता होगा तो कर लेगा, नहीं भी आता होगा तो भी वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है जहां दूसरा क्वेश्चन छोड़ दो और वहां आप कर लो ठीक है, इससे डबल लीड मिलता है, किसी और ने छोड़ा आपने किया, इसलिए ट्रिक्स की वैल्यू को आप समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड इक्वली एट दैट पॉइंट, देन एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा इज हाउ मच। पासेस थ्रू अल्फा बीटा है ना यार, एक काम करता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा देखता हूं सिंपल कोई मैं स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं क्या, जैसे कि मैं अगर ऐसा करूं, मैं अगर कहूं तुम सा कोई, मैं अगर वन टू ठीक है, वन टू वन टू, अगर मैं वन कॉमा वन से ही पास करा दूं, मतलब मैं अल्फा और बीटा को खुद से अपने मन से फिक्स कर रहा हूं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वन, तो मेरा अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा, वन कॉमा वन, ये मैं अपने मन से कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, मैं देखना चाह रहा हूं क्रॉस रिवर्स आ रहा हूं मैं, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, तो एक स्ट्रेट लाइन को अल्फा कॉमा बीटा से अपने को क्या कराना है, पास कराना है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड इक्वली एट दैट पॉइंट। इक्वली डिवाइड करना, इसका मतलब कि ये हमारा ऐसे होना चाहिए, समझ रहे हो, पेपर ही फट गया थोड़ा सा, ये हमारा ऐसे होना चाहिए। तो इससे क्या है, जो भी हमारा पोर्शन है इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस वो इक्वली डिवाइडेड है इस पॉइंट पे ठीक है। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है,
ये मेरे को पता है कितना है 2.0 और ये मेरा क्या है 0.2, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया 1.1, समझ गए। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, कंडीशन मेरी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि भैया 1.1 से पास भी कर रहा है और उस पॉइंट पे इक्वली डिवाइडेड भी है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप खुद बताओ कॉमन सेंस से, एक्स अपॉन, इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, यही तो होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में यही होता है एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, यहां का इंटरसेप्ट क्या है 2 और वाई का इंटरसेप्ट क्या है 2, तो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हमने रिवर्स घूम के आए, हमने क्या करा, पहले लाइन को देखा, पॉइंट को देखा, आपने मन से फिक्स कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन को ड्रॉ किया जो कि इक्वली डिवाइड करे, उसके बाद में हमने उस लाइन का इक्वेशन लिख लिया, हम रिवर्स जा रहे हैं। अब अगर हमने लाइन का इक्वेशन लिख लिया, अब आप हमको सिर्फ इतना बता दो सर कि ये कैसे सॉल्व करें, सिंपल है यार, देखो एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा हमको चाहिए, अल्फा की वैल्यू हमने खुद 1 ले ली ना, तो एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 हमको चाहिए, तो एक तरीके से अपने को x प्लस वाई तो चाहिए हमारे कंडीशन के हिसाब से, तो x प्लस वाई यहां से आ गया ना 2, 2 वहां चला जाएगा, x प्लस वाई 2 आ जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, चुटकी में आपका आंसर आ गया ना यार, ये आपका क्या हुआ, ये कट गया, ठीक है। आप बोलो सर मैं अगर कोई और पॉइंट लेता तो, कोई दिक्कत नहीं, कोई और पॉइंट ले ले बेटा, अगर आप कोई और पॉइंट लेते हो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, आप मान लो 1.1 ना लेके आप 2.2 लेते, ठीक है, तो 2.2 भी अगर लोगे तो पास तो वहीं से करेगा ना 4.0 से और 0.4 से, ठीक है, क्योंकि हम एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट आएगा 2.2, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, राइट। इस पर्टिकुलर केस में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मेरे को क्या चाहिए, x बाई 2 प्लस y बाई 2, मतलब x प्लस y बाई 2, तो x प्लस y बाई 2 चाहिए, तो यहां से मेरे को x प्लस y बाई 4 मिल रहा है, x प्लस y बाई 4 की वैल्यू 1 मिल रही है, तो x प्लस y बाई 2 की वैल्यू वापस से 2 मिल जाएगी, तो वापस से आंसर 2 ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा पॉइंट लो, अगर आप क्वेश्चन की कंडीशन को हार्म नहीं कर रहे तो आपका आंसर बार बार 2 ही आएगा। पहले मैंने 1.1 से पास करा, आप 2.2 से पास करा, उसके अकॉर्डिंग लाइन अलग हो गई, लाइन अलग हो गई, इक्वेशन अलग हो गया, लेकिन एट द एंड वैल्यू हमारे पास में सेम ही आ रहा है। ये था यार कॉर्नर ज्योमेट्री का कुछ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या था, बी, दूसरे का हमारे पास में आंसर क्या था, सी, ठीक है ना। तो यार ऐसे ट्रिक्स आपको और देखने और सीखने तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप लेटेस्ट पेपर्स कवर करोगे, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आप सीखोगे, मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा में ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, तो आप दुर्गा पूजा के ऑफर में अगर एनरोल करते हो आपको 2023 का भी कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और डिस्काउंट वगैरह तो सब है ही। तो लिंक जाकर के आप चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। कोई क्वेरी आए तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछो, है ना, आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे हमारी टीम को आप रीच आउट करके व्हाट्सअप पे पूछ लो कोई क्वेरी है तो एनरोल कर लो यार। WBJ में बहुत ज्यादा कंपटीशन हमारे चैनल के थ्रू ही बढ़ जाता है, क्योंकि WBJ के जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हमारे चैनल को फॉलो करते हो नंबर बढ़ा लेते हैं, आप नहीं बढ़ाओगे आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ने के लिए बने रहिए यार।